गैस बर्तन्स। सो पिछले लेक्चर में हमने न्यू बार बनाया था अबाउट अस कॉन्टेक्टर्स होम लॉगिन और सर्विसेज। इस वीडियो में हम आगे जाएंगे और इससे पहले कि हम आगे जाएं मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था बीएस का, फाइनल एग्ज़ाम था 6th semester का और आपको पता है फाइनल एग्ज़ाम और सेमेस्टर सिस्टम बहुत टफ होता है इंजीनियरिंग में, तो इसलिए मैं थोड़े अरसे के लिए मौजूद नहीं था यूट्यूब पे, तो आप सबसे माजरत चाहता हूँ। और आपने बहुत इंतज़ार किया मेरा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ आपका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, आपने मेरा इतना इंतज़ार किया और आपने बहुत दिल लगा के मेरे वीडियोस को सुन लिए। बात यह है कि वेबसाइट बनाना आसान काम भी है और मुश्किल काम भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो मेहनत नहीं करते, वीडियोस को अच्छी तरह नहीं सुनते और कहते हैं कि हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है। आसान उन लोगों के लिए जो मेहनत भी करते हैं, वीडियोज़ की भी अच्छी तरीके से सुनते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत आसान होता है। और कुछ ऐसी बातें होती है कि कुछ लोग बातों को जहन नशीन भी करता है, लेक्चर को जहन नशीन करता है, तो वो बहुत आसानी से समझते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट्स स्टार्टेड। ये फाइल हमने बनाया था, अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो मैं फाइल्स में जाता हूँ। मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है दिस पीसी न्यू वॉल्यूम ई फोल्डर। न्यू वॉल्यूम ई में मैंने यूट्यूब डॉक्स के नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने चैनल कोडिंग डॉट एचटीएमएल, ये मैंने इसको नाम दिया हुआ है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स जो है एचटीएमएल वो फाइल है। अभी मैं ये खुलवाता हूँ नोट पैड प्लस प्लस से ताकि हम इसमें मजीद कुछ सीखें। ठीक हो गया, हमारे साथ ये है, ये न्यू बार है अबाउट अस कॉन्टेक्ट्स अस होम लॉगिन और सर्विसेज, लेकिन ये लाइन में नहीं है, ये ऊपर नीचे इस तरह दिए हुए है। अभी ये जिस तरह हमारे साथ जिस तरह के हम देखें जो भी वेबसाइट है हम खुलवाना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप हम खुलवाते हैं, तो इसमें इधर ये देखें बूटस्ट्रैप ये वेबसाइट है, एक इसमें तैयार लाइब्रेरी है, ये एडवांस से कोडिंग है, ये बाद में हम देख लेंगे। अच्छा, तो ये हमारे साथ बूटस्ट्रैप साइट है जो कि डेवलपर्स का साइट है, इसमें इसने एडवांस लाइब्रेरीज यूज़ की है, बूटस्ट्रैप जेक्वायरी लाइब्रेरी यूज़ की है, वो हम एडवांस कोडिंग में आगे जाके पढ़ लेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें जो वे साइट में जो ये आप अगर नहीं होगा अच्छा, तो ये इधर इसमें डॉक्यूमेंटेशन एग्जांपल थीम्स एक्स, तो ये इसका नया बार है, ये इसमें इन्होंने ये यूज़ किया है कि डॉक्यूमेंटेशन किधर है, मतलब इधर पर हमारे साथ डॉक्यूमेंट वगैरह होम है, एग्जांपल जो थीम्स है, एक्सपो है, ब्लॉग है, ये हमारा ब्लॉग पे जाना है तो इस इधर क्लिक करना है, तो ये हम किधर किस तरह कर लेंगे। तो बट ये हमारे साथ रंग शंग है इसमें, ये जिस तरह ये खूबसूरत लगते हैं, और ये बटन सा बनाया हुआ है, ये डाउनलोड की बटन है, ये देखो जब हम हावर करते हैं इस पे ऊपर माउस को ले जाते हैं, इसको हावर करना कहते हैं, तो ये इसका रंग चेंज हो जाता है, इसका रंग येलो हो जाता है, और जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो जाता है, इस तरह इसका रंग येलो ब्लूइश है और टेक्स्ट का रंग येलो है। तो ये हम किस तरह करते हैं ये हम पढ़ लेंगे। आज हम इसको इसके इसकी तरह इनलाइन बनाते हैं,
और ये अलग अलग करके हम बताते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं, इसको हम यूएल में हम ये एचटीएमएल इसमें इनलाइन सीएसएस देते हैं। इनलाइन सीएसएस उसको कहते हैं कि जिधर उसके अंदर आपने सीएसएस दे दी, उसको आपने तरतीब दे दी अपने डॉक्यूमेंट्स को, मतलब ये अभी इनलाइन नहीं है ब्राउज़र पे, तो अब अगर हम इसको इनलाइन बनाना चाहते हैं इसको, तो ये फिर इनलाइन बनेंगे। ये हम इसको इनलाइन बनाना चाहते हैं तो सीएसएस के थ्रू हम ये बनाएंगे, तो उसके लिए हम इनलाइन सीएसएस देते हैं। अगर इसको हम एक इंटरनल सीएसएस होता है, अगर इसको हम आईडी या क्लास नेम इधर दे दें और फिर हम उसको रिफ़र कर दें इधर हेड के अंदर, हेड टेक स्टार्ट, हेड टेक क्लोज इधर हम दे दें तो उसको इंटरनल सीएसएस देता है कहते हैं। और अगर हम इसको कोई और फाइल बना दें डबल क्लिक करके और उधर स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से इस तरह कोई और नाम से हम फाइल फोल्डर बना दें और उसमें हम डॉट सी एस एस के नाम से और उसमें हम इस क्लास को रिफ़र कर दें तो उसको एक्सटर्नल सी एस एस के हम कहते हैं। तो इनलाइन स्टाइल लेने के लिए हम स्टाइल लिखेंगे, उसके बाद नॉट इज इक्वल टू लिख लेंगे, नॉट मतलब स्टाइल हमने किस तरह देना है। उसके बाद इनवर्टेड कॉमास शुरू एंड इनवर्टेड कॉमास क्लोज, इनवर्टेड कॉमास के अंदर हमने अपने स्टाइल देना है कि किस तरह हमने क्या स्टाइल देना है इसको, तो हमने इसको देना है डिस्प्ले, क्योंकि मेरा इस कीबोर्ड का इस काम नहीं कर रहा, तो मैं इधर से जाऊँगा डिस्प्ले डबल क्लिक करूँगा, फिर डिस्प्ले हम मैंने कैसे करना है, मैं इनलाइन डिस्प्ले करना है, इनलाइन करना है, सेमी कोलन दे के हम मैंने कंट्रोल एस दबाता हूँ और इधर जाकर रिफ्रेश करता हूँ। देख लिया आपने कि इसमें क्या चेंजेस आ गए। तो ये डिस्प्ले इनलाइन हो गया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इनलाइन एक ब्लॉक में हो जाए, तो मैं ये सी के एक ब्लॉक लिख लूँगा, इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल एस दबाता हूँ और यूज़र में जाके रिफ्रेश कर देता हूँ तो इनलाइन ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इनलाइन डिस्प्ले हो गया। अभी हम जाते हैं, इसको हमने एक स्टाइल नहीं दिया है जो कि है एक टैग हमने हम भूल गए हैं जो कि हमारे साथ है नेव एंड नेव नेव बार के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल सी करेंगे काफ़ी करके और इधर आकर यू एल के टैग क्लोज होने के बाद कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल एस करके जाते हैं, देखते हैं किस तरह ये होते हैं। अच्छा, ये हमारे साथ अब अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस होम लॉगिन और सर्विस। अब हमने इसको स्टाइल के ज़रिए हमने इसको रंग शंग देना है, तो इसके लिए हम स्टाइल में जाएंगे और इधर बैकग्राउंड कलर को यूज़ करके हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी कलर। प्रेस करें हम ब्लू दे देते हैं और सेमी कोलन दबा के कंट्रोल एस दबा के हम आकर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर ये देखे नेव का ये ब्लू हो गया, ठीक है। अभी हमने ये इनलाइन इसको इनलाइन सीएसएस दे रहे हैं, तो इसको हम ये
सारा सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके हम इसको इधर आकर एक एक के सामने पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करेंगे और आकर इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये आपने देखा ये सारे इनलाइन हो गए। एक तो ये हमारे साथ नेव बार जो है ये इनलाइन हो गए, दूसरे इसके बैकग्राउंड ब्लू हो गया। तो इस तरह हम इसका रंग संग भी बदल सकते हैं। हमने इसको इनलाइन बना दिया। दूसरी बात ये है कि हमने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू बना दिया, तो इसके साथ एक और प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं कि इसकी टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर के लिए अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, लेकिन अगर टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ कलर ले लिखते हैं। कलर कोलोन दे दिया और उसके बाद हमने दे दिया वाइट, वाइट दे दिया सेमी कोलोन। इसको हम इधर से काफ़ी कंट्रोल सी करते हैं और हर एक नेव बार में ही हम दे देते हैं कंट्रोल वी, इस तरह कंट्रोल वी, इस तरह कंट्रोल वी और आखिर में कंट्रोल वी। तो ये हमारे साथ कंट्रोल एस हम करते हैं और आकर इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये इसमें कुछ गड़बड़ आ गई, हम आकर इसको बैक, अच्छा एल की जगह हमने इधर ब्लंडर मारी है, आई मारी है हमने एल की जगह। हर इसी एरम में हम एल को चेंज कर लेते हैं, आई की जगह हम एल बना लेते हैं। कलर की जगह हमने कोयर लिखे है कलर, इस तरह इसमें भी हम कलर दे देते हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं और आकर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखे कलर वाइट हो गया। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, लॉग इन और सर्विसेज, तो इस तरह ये हमारे साथ नेव बार बन गया। अगले लेक्चर में हम थोड़ा और जाएंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपके हौसलों को अप्रिशिएट करता हूँ। आप इसको स्टडी कर ले, आप इस पे अपने ट्राई कर ले, प्रैक्टिस कर ले इस पे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।